और पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज ग्राम सीमलदार डैप के ग्रामीण कलेक्टर के पास गुहार लगाने के लिए पहुंचे ग्रामीणों ने पीएम आवास योजना में पक्षपात करने का आरोप भी लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी कई बार कलेक्टर को आवेदन दे चुके हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीएम आवास योजना के लाभ नहीं मिलने से ग्राम सीमलदार डैप के 70 परिवार परेशान हैं। इसी परेशानी के चलते वे कलेक्टर के पास पहुंचे। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें भी पीएम आवास योजना का लाभ मिले, मगर अधिकारी 2011 के सर्वे में उनका नाम नहीं होने का हवाला दे रहे हैं, जिसने ग्रामीणों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पहले भी कई बार कलेक्टर को आवेदन दे चुके हैं लेकिन उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। अब ग्रामीण यह भी जानना चाहते हैं कि 2011 के सर्वे में उनका नाम क्यों नहीं है, जबकि वे उसी गांव में रहते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि किसानों को योजना का लाभ दिया जा रहा है, गरीबों को नहीं। मकासरे ग्राम से मल्ला डेब क्या लेने में आवास योजना के लिए क्या दिक्कत है? आवास योजना किसानों को मिल रही है और गरीबों को नहीं मिल रही, इसलिए आ रहे। कितने परिवार ऐसे हैं जिनको लाभ नहीं मिला? कम से कम 60 परिवार है। सरपंच सचिव से बात हुई है इसलिए? सरपंच सचिव से बात हुई तो बोले कि 2011 का सर्वे हुआ है, उसमें जिसका नाम है उसी को मिलेगी। आपका नाम नहीं है सर्वे? सर्वे मेरा नाम नहीं है। तो अभी यहाँ कलेक्टर आए हो, ज्ञापन दिया, क्या बोला है यहाँ पर? अभी सर ने ज्ञापन दिया है कि बताएंगे वो कि कब कब मिलेगी। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर, क्योंकि सब टूटी फूटी सबकी झोपड़ियाँ है, हो सकता है बारिश में मकान भी गिर जाए। आवास योजना के लिए आया था सर। क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि हमारे यहाँ आवास योजना आ रही है और रिटर्न वापस हो रही है हमारे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ कच्चे मकान है, सब टूटे फूटे मकान है और बारिश होती है तो घर में पानी घुस जाता सर। तो हम इसीलिए कलेक्टर साहब को 2 बार आवेदन पहले तो हम दे चुके, ये 3री बार देने पाए हैं। और हमारे यहाँ बोलते हैं कि 2011 की सर्वे में नाम नहीं है तुम्हारा, अभी 2018 के सर्वे में नाम आएगा तो आवास योजना देंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 2011 की सर्वे में हमारा नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि हम भी तो वही गांव के रहवासी हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको लाभ नहीं मिला? हम करीबन 60 से 70 घर के लोग हैं। सभी लोग आए? सभी लोग आए। अभी क्या बोला कलेक्टर साहब? अभी मिले नहीं, अभी यहाँ केबिन में बुलाया है। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि इन ग्रामीणों को कब तक पीएम आवास योजना का लाभ मिलता है या फिर उन्हें ऐसे ही कच्चे मकानों में गुजर बसर करना होगा। एमपी न्यूज के लिए तरुण जैमन की रिपोर्ट, बड़वानी।